धारीवाल जी को फोन करके मैंने कहा आप कोई भी पॉलिसी बनाएंगे, आपके आपको लड़ना तो आता नहीं, आप कोई भी पॉलिसी बनाएंगे तो वो फ्यूचर से बनाएंगे। कभी भी आज सरकार आगे कांग्रेस की चाहे बीजेपी किसी की भी सरकार, सरकार अपना काम करे, लेकिन सरकार काम भविष्य से करेगी ना, भूतकाल में जाके तोड़ना करेगी कि भाई भूतकाल में जाके सरकार कहेगी और इतनी तारीख से हम लागू करेंगे, कोई घर की दुकान तोड़ना है। हमेशा कोई भी पॉलिसी बनती है तो वो फ्यूचर से लागू होती है। आपको कोई पॉलिसी लागू करनी है तो आप आज तक जो कोचिंग चल रहे हैं वो तो वैसे आप आगे के लिए लागू करो, और इनको आप कोचिंग और स्कूल आप पूरे एक्ट नहीं निकाल पा रहे, निकाल के दी, और पार्किंग उसके लिए आपको ये कहे कि साहब इनको आप पाबंद करो और इनको आप ठीक करो। फायर के लिए आप उनसे पूछ लो क्या शर्तें होनी चाहिए, अब वो कहे फायर की एनओसी लो, तो एनओसी के लिए तो आपकी अपनी शर्तें जेडीए की, वो हम कभी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हम फायर उतना ही कर लेंगे जितना जेडीए चाहता है। आपको ये बात वो कह साहब हम बंद कर देंगे, आप क्या ना कोटा से बंद करते हुए आओ और यहाँ आके सीखो, ठीक है। मैंने उनको कहा धारीवाल साहब को, मैंने कहा भाई साहब आप तो बहुत बेचारे आपके फेवर में, मैंने कहा एक पॉलिसी बनाओ, सीएम साहब से बात कर लो, आप तो कर ही लो, और आप सीएम साहब को तो पता ही नहीं है ना लेना, हम किसी का रोजगार नहीं छीनना चाहते, जयपुर में चाहे वो रेस्टोरेंट में काम करता हो, चाहे ढाबे में, चाहे थड़ी पर, चाहे कोचिंग में, चाहे स्कूल में, हमारा काम बंद करना नहीं है, हमारा काम नई प्रतिष्ठान खोलना है। मेरी नियत ऐसी है, साफ बात हो, मैंने धारीवाल और धारीवाल जी ने मुझे कहा कि मैंने उनको मना कर दिया है, यदि मिनिस्टर से बड़े अधिकारी हैं तो फिर मैं खुद आऊंगा मैदान में, कोई अधिकार धारीवाल जी का सवाल है, धारीवाल जी से बड़े कोचिंग वाले नहीं है, धारीवाल जी खुद समझते हैं, क्योंकि धारीवाल जी खुद कोटा से हैं, कोटा सबसे बड़ा कोचिंग का हब है, वहां सारी कोचिंग नक्शे फायर उसके नहीं चल रही है। आज यदि हम राजस्थान में जितनी कोचिंग चल रही है वो प्राइवेट चल रही है, सिक्कर हो जयपुर हो, एक पॉलिसी बनाएंगे फ्यूचर से बनाएंगे। मैं ये मानता हूँ आपने अधिकारियों को अपनी बात कह दी, आपने अपना काम पूरा कर दिया, आपने बता दिया कि साहब हमारे पास फायर हमने सब, आप आपका फायर सिस्टम ठीक कर लो, आप आपका एग्जिट ठीक कर लो, दरवाजे ज्यादा खोल दो, बच्चों को परेशानी नहीं आए, कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, बच्चे सेफ रहने चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी ये नहीं है कि कहीं घटना घटे तो हम पूरी सिक्योरिटी ठीक कर लें, फायर ठीक कर लें, उसके बाद भी हम प्रेस्टीज इश्यू बना लें, हम तो कोचिंग बंद करेंगे। जयपुर में 5 लाख बच्चे कोचिंग में जाते हैं, अब उन बच्चों को कल मेरे से बच्चे भी मिले, सैकड़ों बच्चे आके मिले, वो बच्चे कहाँ जाएंगे, इसलिए हम इस तरह की पॉलिसी के पक्ष में नहीं है और हम बात करेंगे। सरकार आपके साथ खड़ी है, मैं जयपुर का प्रतिनिधि हूँ, मेरी जिम्मेदारी है आपकी मदद करना, अधिकारी आते हैं चले जाते हैं, ज्यादा अधिकारी को किसी को जोश है और वो ये समझता है कि पब्लिक के विरुद्ध या नौजवान 5 लाख बच्चों के विरुद्ध वो अपनी कार्रवाई कर लेंगे, तो सरकार जनकल्याणकारी है, इस तरह की कार्रवाई के अब पक्ष में नहीं है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ये कहा कि बुधवार को सीज करने आ रहे हैं, आज भी सारा हमारे पास सर, इतने बच्चे जाएंगे कहाँ, एक साथ निकाल तो देंगे, जाएंगे कहाँ ये बच्चे, रास्ता प्रधानमंत्री मोदी सर प्रिंसिपल सर प्रिंसिपल सर आप बताइए वहाँ तक क्यों गई ये बात, ये इसी क्यों नहीं कर पा रहे, वहाँ क्यों गई ये बात, कहीं ऐसा नहीं वहाँ से वहाँ चली जाए, वहाँ से वहाँ चली जाए। मैंने आपको कह दिया मैं किसी भी कीमत पर कोचिंगों को सीज करने के पक्ष में नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ फायर सिस्टम ठीक हो, बच्चों की सिक्योरिटी ठीक हो, पार्किंग ठीक हो, फायर सिस्टम पार्किंग और एग्जिट ये जिम्मेदारी, और उसका टाइम लिमिट करके हम धीरे धीरे ठीक कर लें, और बच्चे सिक्योर रहे, हमारा बंद करना मकसद नहीं है। जेडीए में बोला था उस दिन कि हम बच्चे को खील भी नहीं चुनेंगे, आज जो फायर सिस्टम हम ठीक करेंगे, पार्किंग हम ठीक करेंगे, एफिडेविट दे रहे हम कि हमारी तरफ से कोई कमी किसी तरीके से, हमने बोला जेडीए में मीटिंग में, आपने फरमाया नहीं, वो तो आपकी आवाज ही सड़क है, हमारे तो आपकी आवाज सड़क है, जयपुर में तो कोई मतलब नहीं, रास्ता में नहीं है यार, एक बात मतलब नहीं है, आपके साथ इतने बच्चे हैं अद्भुत।
विद्यापीठों को बंद करने की धमकी के साथ नोटिस दिया है, जिनमें 3 लाख से ज्यादा छात्र अभी अध्ययन कर रहे हैं, उनकी हर हफ्ते कोई न कोई परीक्षा है। वो केवल एक सूरत की आग दुर्घटना की आड़ में दिया है। हमने मीटिंग में कहा था कि हम सब एक एक एफिडेविट देने को तैयार हैं, जो उपकरण वो लगाना चाहें वो हम लगाने को तैयार हैं। हम सब किराएदार हैं, बच्चे दूर दराज से पढ़ने आए हैं, हमारे हाथ में मकानों के नक्शे नहीं है। JDA का खुद का सर्कुलर ये कहता है कि पॉइंट नंबर 15 पे कि वर्तमान में संचालित कोचिंगों के लिए केवल फायर के प्रावधान लागू होंगे। हम उनको लागू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पे वो छात्र हितों की हत्या करना चाहते हैं, 2 लाख लोगों से जुड़े रोजगार की हत्या करना चाहते हैं, इसके हम खिलाफ हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसमें इस तरह से भय का माहौल नहीं बनाया जाए, अन्यथा ये 3 लाख छात्र सड़क पे बैठेंगे। अभी मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया है कि एक भी कोचिंग बंद नहीं होगी। हम उनका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार रोजगार के और छात्र के खिलाफ नहीं है, छात्र हित के, तो हम नई नीति बनाएंगे। लेकिन पुराने अधिकारियों से बात हुई तो उसमें क्या बात हुई? उन्होंने कहा कि आपकी मीटिंग है मंडे को, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो अध्ययन कर रहे हैं, जवाबों का कार्रवाई तो करेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा। मंत्री जी ने कार्रवाई के नाम पे तानाशाही की जा, कार्रवाई के नाम पे तानाशाही है, क्योंकि पूरे जयपुर में जब 2 लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, उनसे नहीं पूछ रहे, 150 कोचिंग संस्थान जो 3 लाख छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं, उनसे क्या तकलीफ है? ये तो शिक्षा के मंदिर है। हम राजस्थान को कोटा में नहीं, अभी मंत्री जी ने ये कहा है कि हम एक भी कोचिंग संस्थान को बंद नहीं होने देंगे। उन्होंने ये कहा है कि हम किसी भी छात्र की पढ़ाई को बंद नहीं होने देंगे, एक भी आदमी का रोजगार नहीं छीनने देंगे। यह सरकार बंद करने के लिए नहीं है, कोई भी कानून भविष्य से लागू होगा, पीछे पूर्व से चलते हुए संस्थानों को बंद नहीं किया जाएगा। बच्चों को सुरक्षा देने के लिए हमने ये कहा है कि हमारा प्रत्येक संस्थान एफिडेविट देगा कि हम फायर के सारे उपकरण लगाएंगे, और एक बच्चों को यह कील भी चुभेगी तो हमारी जिम्मेदारी होगी। आपने JDA अधिकारियों के सामने भी JDA को कहा है, हमने उनमें लिख के दिया है, हमने ज्ञापन में लिख के दिया। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम तो जो नोटिस दे रहे हैं उससे क्या हो रहा है? नोटिस में कहा ऊंचाई इतनी है, बगल में इतना है, ये जो है व्यावसायिक नहीं है, इससे शिक्षा संस्थान क्या करे? उसके तो रूल में क्लियर नहीं है, कानून है कि रेजिडेंस और कोचिंग इंस्टीट्यूट और इसको स्कूल रेजिडेंस में भी चालू कर सकते हैं, नियम में ला में है ये। मैं रघुवीर सिंह डागोर, सहअध्यक्ष राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन। छात्र प्रतिनिधि, मैं दिलीप कविया, राजस्थान यूनिवर्सिटी। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के सभी सोए हुए छात्र नेताओं से निवेदन कर रहा हूं कि आप कौन से छात्रों के हित की बात कर रहे हैं? आइए गोपालपुरा रोड पे आप जमे हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी में, आप इनके साथ लगे, इनके साथ अत्याचार हो रहा है। 2 लाख स्टूडेंट आज की टाइम में PG हॉस्टलों में रह रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनके कुछ ही समय बाद एग्जाम है। मैं सभी नेताओं से आग्रह करता हूँ पुनः कि एक बार आप आइए और हमारे साथ लगिए, हम आपके साथ लगेंगे। छात्रों की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इंस्टीट्यूट पे कार्रवाई होती है तो कोचिंग संचालकों को तो सिर्फ सीज करने के नाम पर समय का नुकसान होगा, लेकिन छात्रों का जो है भविष्य बर्बाद होगा। अगर 1 या 2 महीने भी कोचिंग अगर सीज रहती है तो छात्र जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं, मजदूर वंचित वर्ग से तबके से आए हैं, अपने घर वालों का सपना पूरा करने के लिए आए हैं, या महंगे महंगे PG लेकर ले रहे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए 3 लाख छात्र जो है वो आंदोलन करेंगे और इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। इसी के लिए हमें कहा गया, आश्वस्त किया गया है कि सरकार इसकी नई नीति बनाएगी प्रॉपर टाइप, हमारे साथ कंसल्टेशन करके, सोच समझ के। हम भी चाहते हैं नीति बने जो कि व्यवहारिक हो, और जहां तक सुरक्षा की बात है 100% हम लिख के दे चुके हैं, हम सारे प्रावधान पूरे करेंगे, चाहे हमें टेस्ट कर लिया जाए।